आज हम क्लास 10th का एकदम ओरिजिनल पेपर सब्जेक्टिव लेके आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में एकदम पूछे जाएंगे। जहाँ जिनका एग्जाम हो चुका है वो मिला लीजिएगा, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो आप इससे उतार लीजिए, इसको बना लीजिएगा, पूरा जाइएगा, पूरा बना दीजिएगा, आपका 100 में 100 आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दूसरा भी सिद्ध करना ये बहुत ही इजी है, इसको पी वाई क्यू के रूप में मान के सिद्ध कर सकते हैं, जैसे भी सिद्ध कर दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये एक समीकरण है, एक समीकरण है, इसको तीन विधि से आप हल कर सकते हैं, चाहे कोई भी लुप्तिकरण से कर दीजिए, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन या ब्रज गुणनखंड से सॉल्व कर दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप अपना डिस्ट्रिक्ट के नाम जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके जिला में, आपके जिला में कितना तारीख को एग्जाम है मैथ का, ठीक। आप अपने जिला में एग्जाम तिथि जरूर डेट कीजिएगा कि आपके जिला में कितना आपके एग्जाम है। तो ये सब्जेक्टिव दिखाने से पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव दिखा देते हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव फिर से हम दिखा देते हैं। तो चलिए हम दिखा देते हैं पूरा ऑब्जेक्टिव पहले। देख लीजिएगा, ये क्लास 10th मैथमेटिक्स 22, 23, 35 ए, ठीक। तो चलिए एक दिखाते हैं। पहला देख लीजिए, एक अपरमेय संख्या का ऋण होगा तो ये अपरमेय होगा, ये देख लीजिए तो ये इनमें सभी होगा, सब मारा हुआ है अपरमेय संख्या। चार नंबर का सी हो जाएगा, पांच नंबर का मारे थे इसके पिछले वीडियो में, हम सब बना चुके थे, ये डी हो जाएगा। छह नंबर देख लीजिए, अशांत आवृत्ति, सब चीज देख लीजिएगा। सात का देख लीजिए, ये हो जाएगा। आठ का देख लीजिए, ये हो जाएगा। नौ का बी, दस का देख लीजिए, दस का ये ऑप्शन ही गलत था, इसमें ऑप्शन ही इसमें गलत था, और ऐसे डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक, इसका डी हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, 11 नंबर सी हो जाएगा। सभी चीज देख लीजिए, ठीक, और आप अपना बना के जाइएगा टोटल, ठीक। ऑब्जेक्टिव दिखा दिए 20 तक। चलिए 21 से देख लीजिए, क्वेश्चन शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसको आप बना लीजिएगा और बना के जाइएगा, आपका पूरा में पूरा मार्क्स आ जाएगा, ठीक। 45 तक दिखा दिए, 46 से देखिए, सॉफ्ट स्क्रीन ले लीजिए या आप बना लीजिएगा, जाइएगा तो आपका पूरा में पूरा हो जाएगा। तो 1 से लेकर 60 तक हम ऑब्जेक्टिव दिखा दिए, ठीक। अब हम सब्जेक्टिव दिखाते हैं। चलिए तो अब सब्जेक्टिव देख लीजिए, दो ये दो दो मार्क्स वाला है, ठीक, ये आपका दो दो मार्क्स है। यहां से देख लीजिए 1 से लेकर 12 तक दो दो मार्क्स, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक। 13 से देख लीजिए, 13 से 23 तक दिखाई दे रहा है, तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप और पूरा बना के जाइएगा, तो आपका 25 आएगा टोटल। टोटल आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 15 को आंसर देना रहेगा। चलिए अब दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हम मैं सभी चीज़ का वीडियो डाल चुका हूँ, जिस चीज़ का आपका एग्जाम है जाके आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, चैनल के वीडियो में जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमसे बात करने के लिए, पर्सनली बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कीजिएगा, हम रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना जिला के नाम और एग्जाम डेट, ठीक। तो चलिए अब लॉन्ग वाला दिखाते हैं। तो लॉन्ग वाला देख लीजिए, 26 से लेके 33 तक ये ग्राफीय विधि से समीकरण के दोनों को हल करना है। और आगे देख लीजिए, ये तो बहुत ही इजी है, 5 वर्ष पूर्व वाला, ये वाला चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपसे बनेगा, नहीं तो आपसे एकदम नहीं बनेगा, ठीक। ये तो थ्योरम सिद्ध करना है, ये थी है कंट्रक्शन, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त खींचे गए भुजाओं को स्पर्श करें, तो ये कंट्रक्शन हो जाएगा। सिद्ध करें कि इतना सिद्ध करना है ट्रिगो से, ठीक। और इसका समुचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 7 चैप्टर से निर्देशांक ज्यामिति से है, छिन्नक का निकालना है वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक, और इसका निकालना है माध्यक ज्ञात करना है, ठीक। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है,
आप ये सभी क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।